कहाँ को है तैयारी? मुझे क्या पता कहाँ को है। क्या बोला फिर से बोलो? हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना है? काई मुझे तैयार होने को बोला गया, तैयार हो। नानी से मिलने जा रहे हैं हम। किससे मिलने जा रहे हैं? नानी से। ठीक है। सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज है संडे, तो हम लोग जा रहे हैं आज नानी से मिलने। नानी से मिलने के लिए मतलब मैंने अपने नाना नानी कभी देखे नहीं। पापा के जो मामा मामी हैं हम बचपन से उन्हीं को ही नाना नानी बोलते हैं, क्योंकि मम्मी नानी तो मम्मी ने खुद नहीं देखी, तो नाना जी भी हम लोगों ने देखे, मतलब जो अपने मैटरनल होते हैं। अभी हम पापा के जो मामा मामी हैं हम उन्हीं को नाना नानी बोलते हैं, और हम अपनी नानी से मिलने के लिए जा रहे हैं आज, क्योंकि हम बचपन से ही उन्हीं को नाना नानी के तौर पर जाते हैं। हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वहीं आजकल लखनऊ आई हुई है, वो कहीं लखनऊ से बाहर रह रही थी बीच में, आजकल लखनऊ आई है, तो हम उनसे जा रहे हैं मिलने के लिए। पापा ये आज कितने साल बाद मिलोगे आप अपनी मामी से? 2 साल। 2 साल बाद अब मैं मिलूँगा करीब, वो आई थी भाई की शादी में 2013 में। 2013 के बाद आज मेरी मुलाकात होगी, यानी कि मैं मिलूँगा 7-8 साल बाद। लखनऊ का मौसम, निहारिका ने पहनी है साड़ी। निहारिका जैसी कि ससुराल क्या जा रही होती है ना, तो तुरंत का संस्कारी बहू की तो साड़ी पहन लेती है ये। वैसे संस्कारी वैसे संस्कारी हो, तो वैसे सूट पहन के रहती है, तो क्या जाती है संस्कारी तो है ही हो। हाँ तो क्या बोलते तो है ही हो, तो क्या बोलते हैं, तो साड़ी पहनती जरूर पहनती है। तो ये है देखिए लखनऊ का मौसम। कल 2-3 दिन से क्या पूरे 1 हफ्ते से हो रहा है बहुत विकट ठंडा। अरे चले जा भैया आगे, तुम कहें पता नहीं लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, जिसके पास SUV होती है वो तो सोचता है कि भैया मेरे पास हेलीकॉप्टर है या वो कुछ, बहुत तेज चलाएंगे और पीछे वाले के हॉर्न मारते रहेंगे, जबकि हम पूरा रोड छोड़ के चल रहे हैं। फिर भी मतलब उधर को भी अगर जगह नहीं मिली तो इसके पीछे टों करने में लगे हुए हैं। तो लखनऊ का मौसम है ठंडा, अब उधर SUV वाले गुस्सा चला जाए तो आदमी का टोन ही चेंज हो गया। तो लखनऊ का मौसम है काफ़ी ठंडा, 2 दिन से हो रही है बारिश, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। फॉरकास्ट है कि हाँ बारिश आज होगी दिन में 11 बजे से, लेकिन 11 तो बज गए हैं, अभी तक मतलब हुई नहीं है बारिश। लेकिन कोहरा भी छाया हुआ है, बादल भी छाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या हुआ है आखिरकार। तो देखो ना कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, ये देखिए। ये कहेंगे शाम को चलो दो कहीं वो मकान ले लेंगे, ऐसा करके 2-2.5 सौ का मकान मिलता था उनको। 2-2.5 सौ पुरानी वो बना रखी डायरी चौड़ी, पत्नी पत्नी तो पूरा सब लिखा रहता था। सब पहले के पैसे देखते थे, आज मुझे इतने पैसे मिलते थे, इन दोनों हमने कैसे निकाला होगा। मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे निकाला, मुझे पता भी नहीं चलता था, और ये भी लगता था क्या पैसे होते हैं क्या नहीं होते हैं। अपना काम चल गया, ये पता नहीं ऐसे सीधे साधे टाइम तुम्हारी फोटो ये शॉल में नहीं आएगी। हाँ तो ये है उनका चाची का किचन। देखिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ओपन पूरा किचन है। निहारिका कह रही कि मुझको भी ऐसा ही सेटअप चाहिए, ताकि यहाँ पर खड़े होकर ऐसे वीडियो बनाए, अपना फिर पीछे पीछे बताए। तो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे पूरा। यहाँ पर उधर चिमनी लगी हुई है, इधर पूरी गैस में खाना बन रहा है, और यहीं से ही वो लोग हाँ यहाँ पर से आप देते रहोगे और यहाँ से लोग उठाते भी रहेंगे आराम से। वैसे कॉन्सेप्ट यही है ना इसका, कि आपने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर वाला बंदा उठा ले। तो निहारिका हेल्प तो कुछ करने नहीं, खाली खड़े होके देख लिया। आज वो पहली बार आई है तो उसको हेल्प करने के, आज उसको मैंने खिलाने पे खाने पे ही बुलाया बढ़िया से। और क्या बन गया बोला हाँ आप बोलो। और आपको बहू कैसे लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, अच्छा जोड़ा हो रहा है। हाँ अच्छा जोड़ा हो रहा है, बढ़िया लगी। और उन सब्जी का कोर्स कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छी है, काम कर रही रसोई में। हाँ रसोई में काम नहीं कर रही है, खाली घड़ी है। जो बड़ी बहू है वो बहुत होशियार है, सब कुछ बना के रखता है, अभी नहीं चलता। और क्या क्या वीडियो में? हाँ ठीक है ना। हाँ वीडियो में कुछ कहना, वीडियो में तो अच्छा ही कहना हो, ठीक है बस बहुत है। चलो ठीक है। तो हो गया लंच का टाइम, ये देखिए रहता राजमा पनीर, मम्मी पापा लोग तो स्टार्ट भी कर दिया है। ये हम दे पापा भूख लगी ना आपको? हाँ लग रहा है आपको देख के। नानी बेटी भी है, निहारिका और चाची बना रहे हैं पूरी सब लोग के लिए। सॉल अच्छा आ रहा है आपका? अच्छा चमक रहा है। हाँ आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा, सॉल में अच्छे लग रहे हो। हाँ दिखाई देती थी हमारी पहले। ये अभी भी देखो ना, हम नानी की उम्र होगी 78 साल, लेकिन बाल अब जाके सफेद होने स्टार्ट है। और निहारिका के अभी से ही बाल सफेद हो गए स्टार्ट से। नानी वाकई काफी खूबसूरत, बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखाई दे, बिल्कुल हीरोइन। हाँ 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 ठीक है ठीक है। नानी नियानी के पास छोलो, दोबारा छोलो, अभी आशीर्वाद में क्या जाएगा। ठीक हाँ ठीक है, फिर से मिलेंगे नानी हैं, फिर से मिलेंगे ठीक है। ओके प्रणाम। तो नानी से मिलने के बाद आज मौसम इतना ठंडा है कि हम लोग बाहर घूमने कहीं जा नहीं पाए, तो तुरंत उनके यहाँ से आए, लंच किया, शाम को सीधे आए घर और सब लोग बैठ गए कंबल के अंदर। तो निहारिका कैसा लगा नानी से मिलके? अच्छा। निहारिका नानी से पहली बार मिली, निहारिका को नानी से मिलके भी पसंद आया, और साथ में भावना चाची की जो रसोई देख के ना अब ये डिमांड करेगी कि वैसी रसोई मेरे को चाहिए आपकी रसोई में खाना बनाने की। वैसे उनकी रसोई मुझे उनका कॉन्सेप्ट बाकी बहुत अच्छा लगा कि अभी को ओपन को ऐसे रसोई है उनकी, तो उसमें क्या है कि आराम से खाना सर्व कर लो। मैंने वैसे रसोई मतलब उन्होंने वो सन 2002 में बनाई थी उन्होंने वो रसोई, जब उन्होंने मतलब घर बनाया था तो 2002 में रसोई बनाई थी, तो मतलब बहुत साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पे वही कॉन्सेप्ट चल रहा है मोस्टली। जो आजकल जो नए हाउस बनते हैं ना तो उसमें उसी टाइप की रसोई आजकल ओपन रसोई लोग बना रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।